क्या हाल चाल है सबके भैया, मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। इंडियन टीवी सीरियल एक ऐसी दुनिया जिनकी कहानियां हमेशा सेम ही रहती हैं, बस कैरेक्टर, लोकेशन और सीरियल्स का नाम चेंज होता है। इन टीवी सीरियल्स के खुद के नाम भी बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं। कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लोग हमसे कुछ पूछ रहे हैं। भाई हमें क्या पता, ये रिश्ता तुम्हारा, प्यार तुम्हारा, शादी तुम्हारी, सिरदर्दी तुम्हारी, एक ही बात को रोज रोज पूछ के हमको क्यों परेशान कर रही हो? ऐसे ही कुछ सीरियल्स का नाम ऐसा लगता है कि जैसे इनको सोचने वाले को भूख लगी हो और उस वक्त उसके मन के अंदर जो जो डिश आई उसने उसी डिश के नाम के ऊपर इन टीवी सीरियल्स का नाम रख दिया। प्यार के पापड़, गुड़ से मीठा इश्क, भाकरवड़ी, चटपटे रिश्तों की कहानी, नमक इश्क का, पापड़ बोल, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कुल्फी कुमार बाजी वाला, चाशनी, कैरी, रिश्ता खट्टा मीठा, इमली, खिचड़ी। ये तो थे कुछ टीवी सीरियल्स के चटपटे नाम। अब हम देखेंगे इन टीवी सीरियल्स में होने वाले कुछ अटपटे काम। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भाई कोई इनको समझाओ, ये गोली है कछुआ नहीं, जो इतनी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। इतने में तो बंदा स्वर्ग लोक चला जाता है जितनी देरी इस गोली को इस बंदे तक पहुंचने में लग रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन अभी तो और भी ड्रामा होना है और कोई ना कोई इस बंदे को बचाने के लिए जरूर आएगा और वो इस बंदे को खींच के स्लो मोशन वाली गोली को अपने सीने पे खाएगा। धीरे अगर आप इतनी तेज थी तो ये गोली अपनी बाजू पे खाने के बजाय थोड़ा सा अपने हाथों और दिमाग को कस देते हुए या तो इस बंदे को धक्का मार देती या तो अपनी तरफ खींच लेती। ऐसा करके लाठी भी टूट जाती और सांप भी नहीं मरता। लेकिन नहीं, बिना ऐसे इमोशनल फुल ड्रामा के इनका सीरियल कहाँ चलता। सही पकड़े हैं। फोन्स की बैटरी गर्म हो जाएगी और ढक्कन खुलते ही ये सारे महुआ के सिर पर ही फूट जाएंगे। लगता है ये दीदी पागल हो गई है। अपने हाथों से इन दीदी ने अपने 40,000 रुपए की बलि दे दी। अब आप पूछोगे कैसे? अरे इन दीदी ने पतीले में चार चार फोन डाले। अगर हम एक फोन की कीमत कम से कम 10,000 भी लगाए ना तो इन चारों फोन के बनते हैं 40,000 रुपए। और नुकसान इन दीदी का ऐसे हो गया क्योंकि ये कह रही है कि ये फोन फटेंगे। ढक्कन खुलते ही ये सारे महुआ के सिर पर ही फूट जाएंगे। फिर महुआ का काम हमेशा के लिए तमाम। अच्छा दीदी, ये टच से चलने वाले फोन है ना कि एमआई ब्रांड के बम जो कि हीट होते ही फट जाएंगे। और फटेंगे भी कैसे? जैसे ही इन दीदी ने सारे फोन को पतीले में डाला होगा वैसे ही ये सारे फोन खराब होके बंद हो गए होंगे। दीदी आपके इस मॉडल की प्लानिंग में कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ये कौन सा लॉजिक है बे? चलो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि ये फोन हीट होते ही फटेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि महुआ जब इस पतीले का ढक्कन खोलेगी ये बम तभी फटेंगे? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। देखा जाए तो इन दीदी के प्लान में कोई नहीं दम और ना ही ये फोन फटने वाले हैं बनके बम। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई ये कैसे हो सकता है? खाने के अंदर जाके खराब हुए फोन भी ऐसे फटे जैसे कि हो बम का गोला और फटे भी ठीक उसी समय जिस समय इन दीदी ने इस पतीले के ढक्कन को खोला। भाई गलती इनकी नहीं, गलती तो मेरी है। शायद मैं ही भूल गया कि ये तो एक टीवी सीरियल है। यहाँ पर लॉजिक का रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। एक तो भैया टीवी सीरियल वाले कभी भी किसी भी मरे हुए बंदे को कर देते हैं जिंदा और कभी कभी अच्छे भले तंदुरुस्त बंदे को नए नए बहाने निकाल के बना देते हैं मुर्दा। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये भगवान क्या जुलूम है। ये बंदा फोन पे बात करते हुए चल जा होता है और आगे फर्श के ऊपर पानी गिरा हुआ होता है और ये भाई साहब जाते हैं पानी से फिसल। गिरते हुए इनके एक हाथ से इनका फोन छूट के दूर जाके गिर जाता है और इनका दूसरा हाथ लगता है टेबल पे पड़े एक टेलीफोन के ऊपर और पता नहीं कैसे टेलीफोन उछल के पंखे के ऊपर जाता है लटक और टेलीफोन की तार में इन भाई साहब का गला जाता है अटक। ऊपर पंखा चलता रहता है और नीचे इन भाई साहब की गर्दन कसती रहती है। अब आप ही बताओ इस सीन में लॉजिक कहाँ है? पता नहीं। तो फिर ये लोग क्या सोच के ऐसे ऐसे सीन बनाते हैं? किसी को पता नहीं चलेगा। अभी मैं आपको ऐसी ही एक अननेचुरल मौत का सीन दिखाने वाला हूँ। तो इस सीन में इन दीदी ने श्री दुर्गा चालीसा को एग्जॉस्ट फैन की वॉल के ऊपर से उतारना होता है। अब ये दुर्गा चालीसा एग्जॉस्ट फैन के पास जाके अटकी कैसे इतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर इन दीदी की जगह पे कोई आम घर की आम महिला होती ना तो वो कुर्सी या टेबल के ऊपर चढ़ के इस चालीसा को उतार लेती। पर इन दीदी ने कुर्सी या टेबल ढूंढने का कष्ट नहीं किया। इन दीदी ने अपनी चुन्नी उतारी और चुन्नी फेंक फेंक के इस चालीसा को उतार लिया। लेकिन इन दीदी को यही नहीं पता चला कि इनकी चुन्नी एग्जॉस्ट फैन में फंस चुकी है और ऊपर से इन दीदी की किस्मत इतनी थी खराब कि एग्जॉस्ट फैन का स्विच अपने आप ही जादू तरीके से ऑन हो जाता है और एग्जॉस्ट फैन हो जाता है स्टार्ट।
वैसा ही एक चमत्कार होता है। इस सीन में टीवी सेल के एक नॉर्मल दिन की तरह इस दिन में भी एक नारी दूसरी नारी को मारी होती है। इनकी आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही होती है, तभी उर्फी दीदी का चाकू इनके हाथों से छूट के नीचे गिर जाता है और ये चाकू जाके सीधा फल फ्रूट्स के बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि टीवी सेल के राइटर ने इस चाकू से उर्फी दीदी की मौत को लिखा हुआ है। पर आप सोचेंगे चाकू है नीचे और उर्फी है ऊपर, तो कैसे होगा उर्फी का मर्डर? रुको जरा, सबर करो। चाकू तो नीचे गिर जाता है लेकिन इनकी गुत्थम गुत्थी तो अभी भी चालू रहती है। ये लड़की उर्फी को मारती है धक्का, तो बदला लेने के लिए उर्फी भी WWE के रेसलर की तरह लड़की को मारने जाती है। पर इन दीदी की ब्रेक्स नहीं लगती और ये दीदी रेलिंग के ऊपर से उछलते हुए नीचे गिर जाती है। लेकिन इनकी मौत छत से नीचे गिरने से नहीं होती बल्कि उसी चाकू से होती है जो थोड़ी देर पहले नीचे जाके फलों में खड़ा होता है। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। भाई कॉन्फिडेंस का टीवी सेल के साथ एक अटूट रिश्ता है। बिना कॉन्फिडेंस के टीवी सेल चल ही नहीं सकते। जो काम एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं कर पाते वो काम इनका कॉन्फिडेंस कर देता है। और यहाँ तक कि जो शादियाँ पूरे घर वाले और पंडित जी मिलकर नहीं करवा पाते वो शादियाँ कॉन्फिडेंस से हो जाती है। इस सीन में ये बंदा इस बंदी को कांचे ग्लास में देता है पानी पीने के लिए, पर ये बंदी इस ग्लास को फेंक देती है एक चमत्कारी कॉन्फिडेंस होने के लिए। वाह भाई वाह, क्या सीन बनाया इन्होंने। पहले ग्लास टूटा, कांच उछल के लगा इस बंदे के चेहरे पे पड़ गया कट, कट से निकला खून और एक खून की बूंद उछलते हुए जाती है इस बंदे की मांग में छप। कभी कभी ऐसे एक ट्विस्ट के साथ ये टीवी सेल वाले भरी हुई मांग के भी मांग भर के मांग भराई के जैसा पूरी कर देते हैं। क्या 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 क्या? इस सीन में ये दो महिलाएं लड़ रही होती हैं। ये आंटी जी इस लड़की को धक्का मारती है और ये लड़की नीचे गिरने लग जाती है और नीचे पड़ा होता है एक साग काटने वाला चाकू। पर फिर ये हीरो मारता है एंट्री और इस लड़की को गिरने से बचा लेता है। और जो चाकू ये आंटी जी इस लड़की को मारने वाली होती है वो चाकू ये अपने हाथ पे खा लेता है। चाकू लगते ही निकलता है खून और इस लड़की की मांग में फिर से भर जाता है सिंदूर। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। भाई कभी कभी इन टीवी सेल वालों के पास भी नॉलेज की कमी हो जाती है और इनके दिमाग में भी बजने लग जाता है घंटा और ये लोग स्ट्रेस में आके कुछ ऐसे सीन बना देते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता। शू था डॉक्टर, इनका शुगर लेवल कम हो गया था इसकी वजह से ये बेहोश हो गई। वाह वाह वाह, क्या टेक्नोलॉजी है। इस डॉक्टर ने बीपी चेक करने वाले यंत्र से शुगर लेवल चेक कर दिया। वाह 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 वाह। भाई एक सीन लिखते समय, उसको डायरेक्ट करते समय, उसको रिकॉर्ड करते समय अगर कोई भी गलती होती है तो वो छोटी से छोटी गलती भी मिल जाती है और उसको सुधार लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ही गलती दिखा दी लेकिन इनको पता ही नहीं चला। भाई अगर इनकी छोटी छोटी गलतियां इनको नहीं बताई गई ना तो आगे चल के इसी बीपी चेक करने वाले यंत्र से खून भी चेक कर देंगे और बुखार भी। बात तो चलो भाई आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।